बहराइच में भेड़िये का आतंक लगातार जारी है। भेड़िये ने अब महिला पर हमला कर दिया है। देर रात भेड़िये ने महिला पर हमला किया है। परिजनों ने, आपको बताऊं, महिला की जान जो है वो बचाई है। तो लगातार भेड़िये का हमला जो है वो जारी है। बहराइच में कल दो बच्चों पर भेड़िये ने हमला किया और अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर भेड़िये ने हमला कर दिया है। बहराइच में अभी भी भेड़िये का आतंक जारी है। 5 भेड़ियों को अब तक पकड़ा गया है, लेकिन इसके बाद भी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि अब जो भेड़िया है वो और आक्रामक हो गया है। वन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो उसके मुताबिक एक और भेड़िया जो है उसकी तलाश अभी जारी है, जो कि लंगड़ा है, और बताया जा रहा है कि यही भेड़िया सबसे ज़्यादा खूंखार है। तो बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश लगातार जारी है। छठे भेड़िए की तलाश में 25 टीमें लगातार जुटी हुई है। शार्प शूटर्स भी बहराइच के गाँव में मौजूद है और तमाम जो इलाके हैं उनमें लगातार ये गश्त कर रहे हैं। 5 भेड़ियों को पकड़ा गया है, लेकिन ये जो छठा आदमखोर भेड़िया है, जो कि भेड़ियों के इस झुंड का सरगना बताया जाता है और सबसे, आपको बता दूं, ताकतवर और सबसे खूंखार बताया जाता है, लेकिन ये लंगड़ा भेड़िया है, इसको लेकर भी कहना है वन विभाग का कि पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, 5वें भेड़िए को पकड़े जाने के बाद से जो हमले हैं वो हर दिन हो रहे हैं, ऐसे में अब इस छठे भेड़िए को पकड़ने की क्या रणनीति बनाई गई है? बिल्कुल, जिस छठे भेड़िए के बारे में बताया जा रहा था कि भेड़िया लंगड़ा है, शायद वो शिकार नहीं कर पा रहा और बाकी झुंड के भेड़िए शिकार करके उस लंगड़े भेड़िए को फीड करते हैं, ये अटकलें भी पूरी तरह गलत साबित हुई, क्योंकि अब 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। छठा भेड़िया रोज अटैक कर रहा है, यानी कल भी एक महिला पर उसने जानलेवा हमला किया, किसी तरह उसकी जान बचाई गई और लगातार ये अटैक्स के सिलसिले जारी हैं। 24 टीमें बनाई गई हैं, शार्प शूटर्स लगाए गए हैं, मचाने तैयार की गई हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन ये भेड़िया गिरफ्त में नहीं आ पा रहा है, ना किसी जाल में, ना ट्रैप में, और ना ही शिकारियों को नजर आया है। तो इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि फितरतन भेड़िए बहुत जिस मिजाज के होते हैं वो दिन में नजर बहुत अमूमन नहीं आते लोगों को, वो रात में शिकार करने ही बाहर निकलते हैं, और जब वो शिकार के वक्त निकलते हैं तो उनको बहुत होशियारी से ये पता रहता है कि किस जगह पर जाकर शिकार आसानी से वो लेके आ पाएंगे वापस, तो इस तरह की जगहों पर। और अब ये भी बड़ी बात है कि किस कदर भेड़िए को शिकार की आदत है कि वो अब छोटा बड़ा शिकार नहीं देख रहा है, अपने से कई गुना बड़ा लोगों पर भी शिकार करने की कोशिश कर रहा है, को शिकार करने की कोशिश कर रहा है। पहले बच्चों को, मासूम बच्चों को शिकार बनाया जा रहा था जो उस तरह रिटेलिएट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बड़े वयस्कों को भी शिकार बनाने की भेड़िया कोशिश कर रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। एसोसिएट स्पॉन्सर